बट अब हम बात करेंगे 2025 के मेंस के एग्जाम की, ठीक है? तो जो डेट होगी वो होगी जो आने वाले, हेलो एवरीवन, आई एम मधु फ्रॉम प्लूटस आईएएस। तो आज हम बेसिकली यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। तो यूपीएससी के जो मेंस के एग्ज़ाम की डेट है 2024 की, वो आ चुकी है, वो है आपकी 20 सितंबर 2024, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स की अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, रिवीजन नहीं हुआ है, वो बहुत मतलब रिवीजन कर लो, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट अपना रिवाइज जितना भी सिलेबस है वो फटाफट करके, एंड आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और सभी का एग्ज़ाम अच्छे से निकले। तो कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है? कि लाइक इम्पॉर्टेंट डेट्स, कंपैरिजन एंड इफ़ेक्टिव जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी आप लोगों की, वो किस तरीके की रहेंगी, करना आपको है, बट ये कि हम लोग आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें बता देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2025 की जो डेट्स हैं वो आ चुकी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो सिविल सर्विस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहेगा, जो डेट नोटिफिकेशन की रहेगी वो रहेगी 22 जनवरी 2025। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की रहेगी 11 फरवरी 2025, ठीक है? एंड लास्ट कमेंसमेंट ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका 25 मई, संडे उस दिन, जो मतलब हर साल संडे को ही ये पेपर कंडक्ट होता है, एंड ड्यूरेशन एक दिन का ये पेपर होता है आपका। एंड साथ ही साथ जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, सेम ही चीज़ें रहती हैं। नोटिफिकेशन रहेगा 22 जनवरी 2025, एंड लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन की रहेगी 11 फरवरी 2025, एंड जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 25 मई 2025, जो कि संडे वाले दिन ही रहता है। देन फिर हम बात करेंगे मेंस जो अभी ये 2024 का मैंने आपको पहले बताया था कि जो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 2024, बट अब हम बात करेंगे 2025 के मेंस के एग्ज़ाम की, ठीक है? तो जो डेट होगी वो होगी जो आने वाले मतलब 2025 की होगी, वो होगी 22 अगस्त 2025, जो कि फ्राइडे होगा उस दिन, ठीक है? एंड ड्यूरेशन एग्ज़ाम होगा 5 दिन के ही एग्ज़ाम्स होते हैं, लगातार 5 दिन के ही एग्ज़ाम होते हैं आपके, ठीक है? एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस की जो डेट होगी वो भी मतलब वो भी 16 नवंबर 2025 संडे उस दिन पड़ेगा। एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो आपकी मतलब एग्ज़ाम ड्यूरेशन होती है वो रहेगी आपकी 7 दिन की रहती है, 7 डेज की। अब हम कंपैरिजन करते हैं लाइक प्रीवियस ईयर के कैलेंडर पे, ठीक है? तो प्रीलिम्स का जो होगा डेट ऑफ एग्ज़ाम, लास्ट ईयर जो हुआ था आपका वो हुआ था 26 मई 2024 को हुआ था, ठीक है? एंड इस बार जो है वो होगा आपका 25 मई 2025 को होगा, ठीक है? तो पहले 26 को हुआ था, इस बार 25 को होगा। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, जो टाइम था उसी टाइम पे होगा, ठीक है? एंड नोटिफिकेशन होगा, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन आपका 14 फरवरी 2024 को आया था, एंड प्रेजेंट वाला आएगा आपका 22 जनवरी 2025। अप्रोक्स 22 दिन का मतलब रहता है गैप। देन कंपैरिजन फ्रॉम प्रीवियस ईयर कैलेंडर मेंस का हम अब देखेंगे, ठीक है? पहले हमने प्रीलिम्स का देखा था, अब हम मेंस का देखेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम, लास्ट ईयर की जो डेट मतलब जो इस साल है मतलब जो अभी इस साल 24 के लिए है वो रहेगी आपकी 20 सितंबर 2024, और जो अब वाली जो 25 में होगा एग्ज़ाम वो रहेगा आपका 22 अगस्त। तो ये जो पिछले साल वाला रहेगा 25 वाला, वो आगे आएगा पेपर, ठीक है? इस बार सितंबर में होगा, एंड जो 25 वाला एग्ज़ाम होगा वो 22 में होगा, एंड एग्ज़ाम विल बी 1 मंथ का गैप रहेगा। अब हम थोड़े मेंस के मेन पॉइंट लाइक थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज हो गई हैं, तो उस पर हम मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, ठीक है? लाइक टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, मेंस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू कंडक्ट 1 मंथ बिफोर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम डेट, सो स्टूडेंट्स हैव टू मैनेज टाइम, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जो है वो मतलब अपना जो भी टाइम मैनेजमेंट करते हैं उनको उसको प्रॉपर ढंग से करना है, ठीक है? मेंस प्लस ऑप्शनल प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन, प्रीलिम्स रिजल्ट विल बी आल्सो बी आउट सून, जल्दी आ जाएगा। एस्पिरेंट शुड
ऑल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम फ्रॉम नाउ, जो आपका ये वाला एग्जाम है इंडियन आईएफएस का है, इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम का, इसकी प्रिपरेशन भी है, वो आपको जल्दी ही करनी है, ठीक है, अभी से ही करनी है। सो अब हम बात करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट टिप्स की, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ यू आर अ नाइट आउल स्टार्ट फिक्सिंग योर स्लीप साइकिल इन द नेक्स्ट 10 to 12 days। लाइक अपनी जो स्लीप साइकिल है वो 10-12 दिन तक आपको अपनी ठीक रखनी है। लाइक नो मैटर हाउ मच यू नो, इफ योर बॉडी इज नॉट एक्टिव एट 9 AM देन देर इज नो पॉइंट, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका फोकस ऑन रिविजन। रिविजन पे आपको बहुत फोकस रखना है अपना, मतलब रिविजन पे फोकस रखना है इन दी लास्ट 2 weeks, 2 हफ्तों में, ठीक है। एंड योर प्रिपरेशन, अवॉइड एनी फुल लेंथ टेस्ट एंड लाइक एट बेस्ट राइट अ फ्यू आंसर्स, बट डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ एंड पीक बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले अपने आप को लाइक एग्जॉस्ट नहीं करना है। थर्ड पॉइंट इज डेडिकेट एडिक्वेट टाइम टू एवरी आंसर एंड स्किप राइटिंग मोर फॉर द टॉपिक्स यू हैव थ्रू नॉलेज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल 150 words फॉर 10 markers एंड 250 फॉर 15 markers शुड डू। Following these, allocate 7 to 10 minutes depending on how many words to need to write. Okay. Then effective strategies. First one is understand exam pattern and syllabus. अपने exam pattern and syllabus को understand करना है. Make a balanced timetable. अपना timetable को balance रखना है. Understand daily current affairs. जो भी daily current affairs रहते हैं आपको वो अच्छे से understand करने हैं, ठीक है. And fourth point is solve previous year question paper. जो भी आपके PYQs है उसको अच्छे से solve करना है, ठीक है, समझना है. एंड रिविजन एवरी डे, हर रोज़ रिविजन करनी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट है पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइसली। तो ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं एंड आपके एग्जाम में बहुत अच्छी आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।